पवन सिंह अपने ससुराल से चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इसी खबर के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, इस बार पवन सिंह ने तो ताल ठोकी दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और पवन सिंह को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कभी खबर आ रहा है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कभी खबर आता है कि आरा से, यानी तमाम तरह की खबरें आ रही है पवन सिंह को लेकर। लेकिन अभी अभी पवन सिंह को लेकर एक और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पवन सिंह को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के बलिया से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा ही खबर निकल के आ रहा है पवन सिंह को लेकर। उत्तर प्रदेश के बलिया से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, और पवन सिंह का उत्तर प्रदेश के बलिया में ससुराल भी है, और पवन सिंह ज्योति सिंह अब एक भी हो चुके हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है चुनाव में। और आने वाला बस एक दो दिन में पवन सिंह का टिकट भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अब पवन सिंह के टीम द्वारा पोस्ट किया जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, अभी का बड़ी खबर यही है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह अपने ससुराल से चुनाव लड़ सकते हैं। और सुबह में कई सारे भाई लोगों का कमेंट भी आ रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जब चर्चाएं ज्यादा चलने लगी है तो मैं भी न्यूज बना दिया हूँ। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।